राय और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। और आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही प्यारे स्केच आर्टिस्ट भी हैं और इन्होंने हमारे इंस्टाग्राम सुबह टीवी 123 पर रابطہ किया है, स्पेशली तौर पे राणा तलहा साहब से मुलाकात करने आए हैं और ये कह रहे हैं जी मैंने राणा तलहा साहब का स्केच बनाना है और उनसे पोइट्री सुननी है। तो आइए इनसे इनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं, इनकी लाइफ का राज क्या है। ये जो स्केच आर्टिस्ट अब बन चुके हैं, ये जाहिर सी बात है ऐसे तो कोई बन नहीं सकता, इसमें बहुत सी हिस्ट्री होती है। जो एक आर्टिस्ट होता है उसके पीछे जो बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है वो बहुत लंबी होती है और बहुत ही सुनने वाली और सीखने वाली भी होती है। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि इनकी जो लाइफ में जो कुछ भी हुआ है स्केच आर्टिस्ट बनने के पीछे ये राज क्या था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे आने तक जितनी मेहनत की है वो कहाँ से, स्ट्रगल आपने जारी की थी, कहाँ से शुरू की थी और कुछ अपने बारे में बताइएगा। स्ट्रगल तो मैंने काफ़ी देर पहले स्टार्ट कर दी थी, बचपन से ही मैंने स्ट्रगल करना शुरू कर दी थी। काफ़ी मुश्किलात आई, घर से भी ज़्यादा प्रेशर था कि यार ये तुम क्या करते रहते हो, और फाइनेंशियली भी इश्यूज होते हैं तो घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते थे। और अब थोड़ा बहुत सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं और मतलब अब जो है वो सपोर्ट करना शुरू हो गया है। पहले इनके घर वाले जो हैं वो सपोर्ट भी नहीं करते थे, जाहिर सी बात है जब घर वालों को कुछ नज़र ना आए तो वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, कुछ घर वाले होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी जो ये स्केच आर्टिस्ट लाइफ है आपने किस तरह से जो है वो अभी तक स्पेंड की, आपकी लाइफ में कोई लड़की भी आई है या नहीं? लड़की का तो आपने पूछ के पुरानी बातें याद करवा दी हैं। लड़की तो थी, वही कहते हैं ना कि पहले मैं स्केचिंग करता था और मेरे काम में इतना प्रोफेशनली तरीके से काम नहीं था, तो मुझे सभी कहते थे कि यार आर्टिस्ट बंदा वही बन सकता है जिसका दिल टूटे। तो एक टाइम आया जिससे मैं पसंद करता था, उससे मेरा काम अच्छा नहीं लगता था, तो उसने इशू बनाना शुरू कर दिए कि ये फाइनेंशियली इशूज़ होते हैं, ये काम छोड़ दो, ये वो, उसने काफ़ी बातें की। और नेक्स्ट एक वक्त ऐसा आया कि वो मुझे छोड़ गई और मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार था, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता था, तो मैं भी बैक स्टेप, मतलब कि आप भी पीछे हट गए, वो भी आपको छोड़ गई जस्ट इस वजह से कि आप जो है वो स्केच बनाते थे और कोई काम नहीं करते थे, इस वजह से वो आपको छोड़ के चले। हाँ यही वजह थी, यही। लेकिन आपको इतना ज़्यादा इस हद तक जुनून था कि आपने लाइफ पार्टनर छोड़ दिया और अपने जुनून से स्केच से प्यार किया। बेसिक आप जो भी आपको जुनून होता है, हम अगर कोई भी काम करेंगे ना ये सोच के कि हम उससे पैसे कमाएंगे, अर्निंग होगी, अगर वो सोच के करेंगे तो मेरे ख्याल में वो अर्निंग नहीं कर सकता, कामयाब नहीं हो सकता। आप ये सोच के करें कि यार आपको पैशन है, आप पैशनेट होके काम करें, इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आता है कि आप उससे अर्निंग करना स्टार्ट होता है, सब कुछ अर्निंग नहीं होती। तो मेरी बात वो समझ नहीं पाई, शायद अब उसे समझ आ जाए। मतलब कि अर्निंग ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में, प्यार भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए। और मुझे ये बताएं कि अभी आप राणा तलहा साहब के पास पहुंचे हैं तो इनसे आप किस हद तक प्यार करते हैं? मैं इनकी पोएट्री बहुत शौक से सुनता हूँ, बड़ा मज़ा आता है पोएट्री सुनता हूँ जब भी, और पुरानी बातें याद आ जाती हैं इनकी पोएट्री सुन के। तो मैंने कहा यार मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा मैंने ट्राई किया तो लास्ट एंड ऑफ डे के वो पहुंच गया मैं। जाहिर सी बात है जो टूटे आशिक होते हैं उनको जो है ना सैड सैड चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। मतलब कि इनकी भी स्टोरी जो है ना वो उसी हिसाब की है, मतलब कि लड़की छोड़ गई और इन्होंने अपने पैशन को है अभी तक सलामत रखा हुआ है। तो अब आप राणा तलहा साहब के साथ बैठे हैं, बिल्कुल पास बैठे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और बड़ी खुशी हुई है इनसे मिल के। अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है इनको इनसे मिलके। राणा साहब आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू इसका कि इसने यहाँ इस काबल समझा। शौक था मुझे शुरू से कि मेरा कोई स्केच बने मेरा, फिर मैं छोटा होता था तो मैं यहाँ तस्वीर को बनाता था अपनी को, अपनी लिखे प्रकार जो भी करता था लेकिन अच्छी नहीं बनती थी। तो भाई ने कहा तो अपनी तस्वीर के सामने खड़े होकर शेर बोलूँगा कि मैं सवर आज तुझे मैं उस्ताद मानूँ।
कि ए मुसव्वर आज तुझे मैं उस्ताद मानूं, मेरे दुख भी ले मेरी तस्वीर के साथ। होय 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 होय। अच्छा ये तो एक पोइट्री सुनाते हैं और सारी बातें उसी में कर देते हैं। आप जैसे कि जानते हैं इनकी पोइट्री सुन के तो वो क्या कहते हैं पंजाबी की कहावत है, लूं कंडे खड़े हो जाते हैं। अच्छा मुझे आप एक और पोइट्री सुनाएंगे? हाँ, कहते हैं कि दबी दबी सी ये मुस्कुराहट लबों पे अपने सजा सजा के, कि दबी दबी सी ये मुस्कुराहट लबों पे अपने सजा सजा के, वो नरम लहजे में बात करना दास नजरें झुका झुका के, वो आंख तेरी शरारती सी वो जुल्फ माथे पे नाचती सी, नजर हटे ना एक पल भी मैं थक गया हूँ हटा हटा के, वो तेरा हाथों की उंगलियों को मिला के जुल्फों में खो सा जाना, कि वो तेरा हाथों की उंगलियों को मिला के जुल्फों में खो सा जाना, हया को चेहरे पर फिर सजाना वो फूल चेहरा खिला खिला के, वो हाथ परियों के पर हो जैसे वो पाँव हूरों के घर हों जैसे, नहीं है तेरी मिसाल जाना मैं थक गया हूँ बता बता के, नहीं है कोई तेरी मिसाल जाना मैं थक गया हूँ सुना सुना के, क्या बात है, बहुत ही उम्दा शेर था। अच्छा अरसलान साहब मुझे ये बताएं कि आपकी जो लाइफ पार्टनर थी उसने तो आपका साथ नहीं दिया, क्या आपके घर वालों ने, आपके माँ बाप ने, आपके बहन भाई ने आपका साथ दिया था इस लाइफ में जो आप स्केच सीख रहे थे? हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, और पहले तो मार भी बड़ी पड़ती थी, पर अब सब साथ देते हैं, भाई बहन अबू अम्मी सारे साथ देते हैं। शुरू शुरू में जब बच्चे गलती करते हैं ना तो सबको मार ही पड़ती है, आपको भी पढ़नी थी। जाहिर सी बात है, बड़ी मार भी खाई है। अच्छा मार भी खाई है तो फिर भी जो है ना अपना जुनून जो है ना स्केच जो है ना वो छोड़ा नहीं? नहीं वो नहीं छोड़ ही नहीं सकता। मतलब छोड़ ही नहीं सकते, इसीलिए तो आप आज तलहा साहब के साथ बैठे हुए हैं, अगर छोड़ दिया होता तो आज यहाँ पे बिल्कुल ना बैठे होते, ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी उस वाली की कभी पिक्चर बनाई है? बहुत बनाई है और बना के जलाई है। मतलब कि बना भी दी और जला भी दी, ये क्या बात हुई? बेसिक मैं नहीं चाहता था कि मेरा जब दिल करता था मैं बनाता था और जब गुस्सा आता था मैं जला देता था। तो उसको नहीं कभी दी ये मैंने आपके लिए बनाई? नहीं उसको नहीं दी, उसको नहीं दी, पसंद ही नहीं थी तो मैं कैसे देता भी है। राणा साहब क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? कहता तुमने पूछा है चलो तुमको बता देते हैं, कि तुमने पूछा है चलो तुमको बता देते हैं, हम पे जो गुजरी है तुमको भी सुना देते हैं, इसके बाद तो खुद पे भी यकीन नहीं, लफज लिखते हैं लिख के मिटा देते हैं, और नमी आंखों में लेकर कि नमी आंखों में लेकर लोगों से हंस लें, लगता है खुद को सजा देते हैं, तेरी याद से एक पल भी गाफल ना रहे, यूं ही दिल के बहल जाने को बुला देते हैं, और तेरे साथ जो गुजरे थे पल कि तेरे साथ जो गुजरे थे फल याद आते हैं तो रुला देते हैं। क्या बात है, तो मुझे भी रोना आ गया था, लेकिन आपको पता है कि आपकी होस्ट जो है ना वो सैड नहीं हो सकती, आपने इस बात का बुरा नहीं मनाना। अच्छा जी आप मुझे ये बताएं कि आप अभी तक आपने कोई अर्निंग वगैरह की है, कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है, किस किस जगह पे आपने पेंटिंग बनाई है? अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में आर्ट वर्क किया हुआ है, मुख्तलिफ प्लेसेस पे किया हुआ है, और मेरी कुछ पेंटिंग्स जहाँ से मैं सीखता था अलहमरा से वहाँ पे भी डिस्प्ले हुई हुई हैं, और जिस क्लास में मैं सीखता था उस क्लास में भी डिस्प्ले की हुई हैं। तो मतलब कि काफ़ी काम किया आपने लाइफ में, अभी तक अच्छी जो है वो अर्निंग भी आप कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम चलते हैं राणा साहब के पास, आप क्या कहना चाहेंगे? कहता उसकी तस्वीरें हैं दिलकश तो होंगी ना, कि उसकी तस्वीरें हैं दिलकश तो होंगी ना, जैसी दीवारें हैं वैसा साया है, एक मैं था जो उसकी कत्ल की साजिश में था, एक वो था जेल में भी खाना लाया था। ओए होए 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 क्या बात है, जेल में भी खाना लेके आ गया वो, वैसे वेरी गुड हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो लाइफ है आपको इससे क्या लगता है कि आगे जाके आप किस हद तक जाना चाहते हैं, इस लाइफ को आगे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मैं अपनी लाइफ में मैंने कोई लिमिट नहीं सोची हुई, कोई हद नहीं सोची हुई, बस एक माइंड में चीज़ बैठाई हुई है, मैंने अपने आर्ट गैलरी बनानी है, अपना इंस्टीट्यूट बनाना है, और जो परेशानियां मुझे फाइनेंशियली आई हैं वो जिन बच्चों को ये शौक़ है उनको ना आए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाया करूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट ये उनके लिए अकेडमी बनाएंगे, सिखाएंगे उनको प्रॉपर तरीके से, क्या बात है, वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए। और राणा साहब आप इसके बारे में अब क्या कहना चाहेंगे, देख लें कितनी अच्छी बात उन्होंने बोल दी है।
नहीं काफी कमाल की बातें करते हैं, देखते हैं तस्वीर में क्या करते हैं, मेरी तस्वीर बनाएंगे तो देखूंगा। ये लें जी, आप उनकी पिक्चर बनाएंगे तो उनको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे स्केच आर्टिस्ट हैं। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इनको मुसव्वर तुझे मैं आज उस्ताद मानूं, ए मुसव्वर आज तुझे मैं उस्ताद मानूं, मेरे यार की भी बना तस्वीर मेरे साथ। ओए होए होए, मेरे यार की तस्वीर बना मेरे साथ, तो चलते हैं तस्वीर की जानिब। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट हैं। ये देखिए जो पिक्चर है वो मुकम्मल हो चुकी है, कैमरामैन हमारे दिखा दें ये पिक्चर अच्छे से, बहुत प्यारी इन्होंने तस्वीर बनाई है राणा तलहा साहब की, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी कारीगरी है। आप जो है रابطہ कर सकते हैं इनके साथ, आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिया जा चुका है, आप देख सकते हैं मेंशन कर दिया है आपने, अगर बनवानी है तो इस ऐसे ही, इतनी प्यारी तस्वीर लग रही है मुझे, इतना प्यारा इन्होंने स्केच बनाया है, आप ऐसे ही बनवा सकते हैं हूबहू, इनका नंबर दिया जा चुका है, आप रابطہ कर लीजिएगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने तलहा भाई के लिए ये स्केच रेडी किया, और मैं जिस शेर की वजह से तलहा भाई का फ़ैन हुआ था, तो वही शेर लाइव सुनना चाहूँगा। तस्वीर पुरानी थी, कहना कि तेरी तस्वीर देखी तू तो हंसदा ही बड़ा सोहना वा, कहता कि तेरी तस्वीर देखी तू तो हंसदा ही बड़ा सोहना वा, और मैं कहा डूंगियाँ सट्टा बजियाँ, कुछ उम्र नहीं आनी सी, और नहीं हंसदे चेहरे वो तस्वीर पुरानी सी, वो कहता कभी यूँ भी आ मेरे रूबरू तुझे पास पाकर मैं रो पड़ूँ, मुझे मंजिल इश्क पे हो यकीन तुझे धड़कनों में सुना करूँ, कभी सजा लूँ तुझको आँखों पे, कभी तस्वीरों पे पड़ा करूँ, कभी चूम लूँ तेरे हाथों को, कभी तेरे दिल में बसा करूँ, कभी यूँ भी आ मेरे रूबरू तुझे पास पाकर मैं रो पड़ूँ। क्या बात है, क्या बात है, कैसी लगेगी आपको पोइट्री? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इसी चीज़ के आप फैन थे? हाँ मैं इसी चीज़। आज आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हूँ। और आपको इन्होंने बहुत अच्छा स्केच बना के दिखाया है, आप बताएं आप कितने खुश हैं? मैं काफ़ी खुश हूँ, मैंने अपनी पसंद का शेर पढ़ा है, जो मैं खुद से शीशे सामने खड़ा हो गया ना, आईने के सामने खड़ा होकर पढ़ता हूँ, वो मैंने सुनाया अभी। चलें जी, क्या बात है। तो नाज़रीन, आज का आपको प्रोग्राम हमारा कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और स्केच आपको कैसा लगा ये देख सकते हैं कितना प्यारा, मैं तो बहुत फ़ैन हो चुकी इनकी, मैंने तो खुद भी इनसे बनवाना है आज स्केच, ये बना के जाएंगे मेरा। और नंबर आपको दे दिया है, आपने रابطہ करना हो तो आप कर सकते हैं। और मैं राणा तलहा साहब के जो फ़ैन्स हैं उनको कुछ कहना चाहूँगी, उनको एक पैगाम देना चाहूँगी कि राणा साहब के जो इंडिया में फ़ैन है, पाकिस्तान में है, फेक आईडीज बना के, और एक इंडिया का जो बंदा है उसने आईडी बनाई हुई है, वो राणा साहब को खुद ही कही जा रहा है कि ये जो आईडी है मुझसे आप ख़रीद लें, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होता काम, ठीक है ना, आप उनका फेस ही चला के उनको ही सेल कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो जो उस बंदे ने मैसेज किए हैं राणा साहब को, वो भी स्क्रीन पे आपको दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे कैसे मैसेज किए हैं उन्होंने, और जो आईडी का नाम है, लिंक है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप काइंडली जो है ना वो फॉलो मत किया करें, जो राणा साहब की ओरिजिनल आईडी है आप उसको ही फॉलो किया करें, आपको स्क्रीन पे वो भी आईडी दिखाई जा चुकी है। इसी के साथ अक्सर राय को दीजिए इजाजत, सुबह टीवी को आपने लाइक फॉलो शेयर कमेंट जरूर करना है, तो हमारा शो कैसा लगता है आपने ये भी जरूर बताना है। इसी के साथ अक्सर राय को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।